अचार के बगैर हर खाना अधूरा होता है। ठंडी के मौसम में हम अलग अलग तरह का अचार बनाते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर मूली गोभी का अचार। ये इंस्टेंट अचार है, आप साथ के साथ भी खा सकते हैं या आप इसे 3 से 4 दिन धूप में रख के और फिर इसको खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने सब्जियों को अच्छे से धो लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आपको जैसे टुकड़े पसंद हो, छोटे या बड़े, आप उसी के साइज़ में इसे कट कर लीजिए। सब्जियों को काटने से पहले अच्छे से धो लीजिए। देखिए ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कट किए हैं और साथ ही साथ मैंने कुछ हरी मिर्च ली हैं, क्योंकि हरी मिर्च अगर इसमें डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बनकर तैयार होगा। तो इसको भी मैंने एक मिर्च को 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। अब एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें हम सारी सब्जियां डाल लेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। मैं नमक अच्छे से इसमें मिक्स करके और इन्हें 1 दिन के लिए ऐसे ही रख दूँगी, जिससे नमक डालने से इनमें पानी निकल आएगा, जो भी मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अचार जब भी हम डालते हैं तो उसका मॉइस्चर ख़त्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लंबे समय तक उसको रख पाएंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें उबाल कर भी बना सकते हैं। पानी को उबालने के बाद आप सब्जियों को 3 से 4 मिनट अच्छे से उबाल लें और फिर उनको पानी से निकाल कर सुखा लें। तो यहाँ मैंने डिब्बे में डाल दिया है सब्जियों को, अच्छे से नमक को मिक्स कर दिया है। अब इसे हम 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर हम इनका पानी अलग कर लेंगे। 1 दिन हो गया है, देखिए नमक डालने से इनमें पानी निकल आया है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसे छलनी में से छान लेंगे, सारे पानी को अलग कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम अचार बनाते हैं तो उसका मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर उसमें रह गया तो अचार जल्दी ख़राब होने के चांस होंगे। तो पानी को हम अच्छे से अलग कर देंगे और फिर हम कपड़े पर सुखा लेंगे। तो यहाँ मैंने कपड़ा बिछा लिया है। कपड़े पर अच्छे से हम सब्जियों को फैला लेंगे, बिल्कुल खुला खुला, और इसको हम 1 घंटे के लिए या तो आप पंखे के नीचे सुखा सकते हैं या आप चाहें तो धूप में भी इसे सुखा सकते हैं। मैंने सब्जियों को अच्छे से सुखा लिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 चम्मच हम जीरा डाल लेंगे, 2 चम्मच सौंफ, इसे भून लेंगे अच्छे से, और 2 चम्मच मैं यहाँ सरसों के दाने डाल रही हूँ, इसे भी हम हल्का हल्का भून लेंगे, क्योंकि जो भी मसाला हम इसमें यूज़ करेंगे तो उसका मॉइस्चर भी पूरी तरह से ख़त्म होना ज़रूरी है। अब मैंने उसी पैन में 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। कोई भी आप अचार बना रहे हैं तो उसमें सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम धुआं आने तक तेल को गर्म करेंगे और फिर ठंडा कर लेंगे। तेल थोड़ा थोड़ा गर्म है अभी, तो इसमें 2 चुटकी हम हींग डाल देंगे, हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब तेल को हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच में नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हमने जो पहले डाला था वो पूरा निकल गया है। 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने, और जो हमने पहले भून लिया था मसाला उसको मैंने दरदरा पीस लिया है वो डाल देंगे। और अब हम तेल डाल देंगे, तेल बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इंस्टेंट अचार बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो साथ में खा सकते हैं इसको साथ ही साथ, या आप चाहें तो 3 से 4 दिन के लिए आप इसे धूप में रख लीजिए और फिर इसको आप खा लीजिए। खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा ये। और इसे एयर टाइट कंटेनर में अगर आप भरकर रखना चाहते हैं 3 से 4 महीनों तक, तो इसमें 1 चम्मच आप विनेगर ज़रूर डालिए।
गाजर मूली गोभी का इंस्टेंट अचार बिल्कुल तैयार है। आप इसे चाहें तो साथ साथ खा सकते हैं या आप 3 दिन के लिए इसे धूप में रख दीजिए फिर इस्तेमाल कीजिए। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।